हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है राइट बाइट का मैक्स प्रोटीन क्लासिक क्रीमी। ये क्लासिक क्रंची भी आता है, क्रीमी और क्रंची में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रीमी में ये पीनट को बिल्कुल पीस देते हैं और जो क्रंची होता है उसके अंदर टुकड़े भी डाल देते हैं पीनट के, तो वो क्रंची हो जाता है। बस ये माइनर सा डिफरेंस है। आप लोगों को जो सा भी अच्छा लगे ले सकते हैं। बात करें नेट क्वांटिटी की, नेट क्वांटिटी इसकी 340 ग्राम है, मतलब 340 ग्राम है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका 189 रुपीज़ कंपनी ने लिखा हुआ, बट मुझे 157 में मिल गया था नाइका से, इसलिए मैंने दो ऑर्डर कर दिए थे। कंपनी क्लेम करती है कि इसके अंदर हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है, नो ट्रांस फैट है और वेगन है। बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन इसके अंदर 100 ग्राम में 26 ग्राम प्रोटीन है, जो कि अच्छा है। और बात करें इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसके अंदर इन्होंने रोस्टेड पीनट डाले हुए हैं, शुगर है, सॉल्ट है, एडिबल वेजिटेबल ऑयल है और इमल्सीफायर है और स्टेबलाइजर है। कंपनी ने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एलर्जी हो सकती है क्योंकि ये प्रोसेस होता है अदर नट्स के साथ, तो ध्यान रखें। और ये भी कंपनी ने मेंशन किया हुआ कि ऑयल सेपरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो जैसे गर्मियां होती है तो उसमें मूंगफली का जो ये पीनट बटर है ऊपर ऑयल आ जाता है और नीचे बटर रह जाता है, तो हम सोचते हैं कभी ये खराब हो गया, बट ऐसा नहीं है। अब वैसे सर्दियां चली हुई हैं तो मेरा पीनट बटर है ये बिल्कुल सॉलिड हो चुका है, तो इसे मतलब इतना सॉलिड भी नहीं कि आपको जोर लगाना पड़ेगा। हाँ, बट ये ऐसा नहीं है कि आप डिब्बे को उल्टा करोगे तो पीनट निकल जाएगा, वो गर्मियों में होता है। तो मैं आप लोगों को पीनट भी दिखा देता हूँ। पीनट मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा। इससे पहले मैंने एल्पिनो का पीनट बटर खाया था, वो मैंने विदाउट शुगर और विदाउट सॉल्ट वाला मंगवाया था, तो वो उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। अगर वीडियो आई पसंद और वीडियो से आप लोगों को कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो करें लाइक, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।